का निजीकरण रद्द करो, यही खा के गुजारा होगा यही। यहाँ तो यही सफर में आप खा रहे हो, वैसे हम भी खा रहे हैं। आप लोग पनीर खाते हैं कि नहीं? पनीर देखा लोगों ने होगा। अच्छा मशरूम कितने लोग खाया मशरूम? अरे हाथ उठाओ मशरूम। गाय तो माता है। अरे माता है, हम लोग क्या खाएं? का बच्चों को खिलाए, 5 किलो मिलता उसे पूरा परिवार चल जाएगा क्या? देश बिक रहा है, सरकार जो कुछ कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। इस समय क्या गलत कर रही है? रेलवे का निजीकरण कर रही है। मंदिर तो बना ना, मंदिर बनने से पेट भरता है जनता। इंडिया गेट चमक गया, इनको घुमाइए सबको इंडिया गेट। इंडिया गेट दिखा देंगे तो आपका पेट भर जाएगा। नया संसद बन गया, नया संसद बन गया तो पेट भर गया रहा है। मारे मारे घूम रहे, नौकरी ना मिल रही है। ए मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं सबको? तब देखिए भरोसा है मतलब उनके काम का विरोध कर रहे हो यार। क्यों नहीं करेंगे? अगर फंड आता ना, फंड जिनको आते लंगर लगे होते थे। अपनी रोटी लेके समाए। देश भर के किसानों का जमावड़ा जो है वो जंतर मंतर पर है और किसानों का आना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, किसान आए हैं और किसानों का भोजन देखिए। जिस देश में दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन हो, दूसरा नंबर का बिजनेसमैन हो, वो किसान क्या खा रहा है? मैंने कुछ वीडियो भी बनाया है जो दूसरे विंडो में देख रहे हैं। सूखी चना, ये क्या है? खतरिया है, खा के सब लोग। क्या है? गुड़ है? नहीं आटा, शक्कर का आटा, शक्कर मिलाई है, शक्कर मिलाई है, आटा पकाया। कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ। क्या नाम हुआ? रामचंद्र। रामचंद्र जी, कितना खेत बाड़ी है? खेत है 5 बीघा। गाय भैंस पालते हैं कि नहीं? गाय है। तब तो गैया वाला भी मामला गड़बड़े हो गया, बेच नहीं सकते हैं ना। बिकी कहाँ बोलते हुए तो रहती है गैया, गाय है वो का बेचेगी कहाँ ले जाएगी? तो ये यही खा के गुजारा हो रहा है? अब यहाँ गुजारा हो रहा और कहा है तो यह गुजारा। बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है? पढ़ रहा है। एक बैंक में पैसा उसा है? पैसा कहाँ दो, पैसा होता तो ये खाते ना। तो मोदी जी ने खाता खुलवाया था जनधन वाला, सुने किसान के अकाउंट में 2000 रुपया जा रहा है। हम लोग ना ही आ रहा है, क्या करिए? 2000 रुपया आ तो रहा था अकाउंट में। आओ सबके ना, खेत नाम में ना है, कहाँ दे रहे भाई हम लोगों ने? आप लोग के पास खेत ही नहीं है? मतलब है पिताजी के पास है, बिघे दो बिघे। क्यों आए जनता मतलब रैली में आए थे किसान यूनियन में, माता जी के दर्शन करने। क्या नाम है? हमारा नाम श्री कृष्ण है। यही खा के गुजारा होगा यही? यहाँ तो यही सफर में आप खा रहे हो, वैसे हम भी खा रहे हैं। घरे रोज क्या खाते हैं? पनीर टिक्का। इतना पैसा कहाँ? पुलाव। इतना पैसा कहाँ है? दाल रोटी। मशरूम कभी खाए कि नहीं? मशरूम हम नहीं, हमने उसका टेस्ट भी नहीं अभी लिया है, हमने खाया नहीं। पुलाव ये भी नहीं खाया है। मटन चिकन ये हम जानते भी नहीं क्या। छोटा पर के जो चावल हाँ वह खाए जाते। और अडानी का नाम सुने कि नहीं? नहीं। खाता खुला कि नहीं? बैंक खाता? बैंक खाता है। खुला माल आ रहा है उसमें 2000? हाँ 2000 रुपये आए जाते हैं 2-3 महीने में। जब आवे तब बहुत दिन के नहीं आए। सोचिए ये है किसानों की हालत है। और ये छोला कुलचा मंगवाए यहीं खरीदे हैं? हाँ। कितना में आया? कई पैसे में लाए? 20 रुपये। तो रोज मजाक कर रहे हैं आप लोग। घर पर अब वो खाए हैं कि नहीं कभी? पुलाव? पुलाव भी खाए। आ मशरूम? मशरूम नहीं खाए। पनीर टिक्का? नहीं खाए। मंचूरियन थाई इटालियन? ना ये हम ना ही नहीं जानते आए कि नहीं। आपको पता है जो टेलीविज़न चैनल में काम करते हैं जो पत्रकार हैं ना, वो थाई चाइनीज इटालियन स्पैनिश पनीर खाने वाले लोग हैं। उनको किसानों का दर्द नहीं पता, उसके लिए तो किसानों को ही पत्रकार बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश की विडम्बना देखिए कि किसान ना तो पत्रकार है, न टीवी में है, न अखबार है, न जज है। वो इसी तरह से मट्टी खाकर गुजारा करने के लिए मोहताज है। किसान वालों को पैसा होते नहीं है, किसान वालों खेती वालों पैसा नहीं आवा तो कोई टीवी अखबार वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो थाई खाता है, मंचूरियन खाता है, सैंडविच खाता है, स्पेनिश फूड खाता है, वो पनीर टिक्का खाता है, वो पुलाव खाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भी भूल गया है। कहाँ से आए आप? हरदोई से। क्या नाम है? श्री कृष्ण। क्यों आए हैं? है रैली से, यात्रा के लिए। क्या यात्रा है? अच्छी
कहाँ से आए आप लोग? हरदोई। क्या नाम है? त्रिवेणी। सब कट्टर हिंदू हैं, यहाँ आए हुए हैं, किसान हैं, खाना दिखा रहा था। कहाँ जा रहे हैं? कौन लाया है? आदेश। काम करान। तो क्या काम है? मीटिंग के लिए। क्या मीटिंग है? किसान मीटिंग है। मशरूम खाने वाले लोगों को कैसे पता चलेगा दर्द? ये तकलीफें दिखा रहा हूँ, कोई टीवी अखबार वाला ये खबरें आपको नहीं दिखाएगा। कौन आप ही नेता है? क्या नाम है? पंकज मिश्रा। मिश्रा जी, काहे ले आए इन लोगों को? टोपी पहना रहे हैं। क्या करें, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, देश की जो राजनीतिक दल है सभी मौन है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि रेलवे में टीसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएंगे, चालक भी। अरे तो मिश्रा जी, या हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, मंदिर बन गया आपको। ठीक है, वो अलग समझ। ठीक है, तो मोदी जी क्या क्या करे? मोदी जी काशी कभी मथुरा बसाना है, जो भी है वो करेंगे। लेकिन हमारी जो समस्या है, रेलवे का निजीकरण जो हो रहा है। आप लोग मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं। क्यों मोदी जी का नाम? क्या मोदी जी हमारे दुश्मन है? क्या हम उनके दुश्मन है? तो काहे धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवाएंगे? रेलवे का निजीकरण होगा, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं होगा? रेल दिक्कत है निजीकरण से? निजीकरण से दिक्कत ही है। जब अभी वंदे मातरम ट्रेन चला रहे हैं, बढ़िया है, लोग जहाज के बदले अब ट्रेन में चलेगा। ट्रेन देखे कि नहीं वंदे मातरम? आप लोग पनीर खाते हैं कि नहीं? देखा। अच्छा, मशरूम कितने लोग खाया? मशरूम? अरे हाथ उठाओ, मशरूम। पैसे वाले खाते हैं। अच्छा, कितना लोगों के पास जनधन खाता है? हाथ उठाइए। जनधन खाता लगभग सभी लोग खाते हैं। अरे जनधन खाता कितने लोगों के पास है? गांव आइए, लगभग सभी खाते। आप गांव आइए, बताऊंगा सिस्टम क्या है। अरे खाता है कि नहीं बैंक में? खाता 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 हमारे निजी खाता। अच्छा, कितने लोगों के पास गैस सिलेंडर है सरकार वाला? हमारो खाता निजी खाता है, गवर्नमेंट निजी खाता है, गवर्नमेंट खाता नहीं है। जनधन नहीं है? कहाँ से लाए लोग? आप लोग राजनीति चमका रहे हैं अपना। नहीं, कोई खाता नहीं है। ये लोग राजनीति चमका रहे हैं आप लोग जंतर मंतर पर लाके इन लोगों को? क्या नाम है? हमारा नाम हीरा लाल है। काहे जुटाए हैं इन लोगों को का नाम ट्रेन के लिए? मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं। नाम नहीं खराब कर रहे हैं, मोदी जी तो मेरे हैं। वोटिंग उन्हीं को देते हैं, हमेशा दिया है भाजपा को, भाजपा को जुड़े हैं। तो खुश हो ना मोदी जी से? बिल्कुल खुश हैं हम। और क्या आए का हो फिर? एक ही सिस्टम हमको डालना है। गाय जानवर खत्म करते, सिस्टम खत्म करते। हजारों बीघा जमीन खाली पड़ी, किसानों में बोई नहीं है। तो गाय माता को खेत नहीं चरने दोगे? क्या तुम खिलाओगे? क्या आप खिलाएंगे? आप हमें बताइए। यूपी में यूपी निकाल ले जाए बेचारे। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बेचारे थोड़ा सख्ते में आ गए हैं। यूपी में एक मैडम है आईएएस, उन्होंने कानून बना दिया है कि बार नहीं लगा सकते हैं, रस्सी से घेरना पड़ेगा। क्या गैया क्या कर रहा है? अरे भाई, गाय खेत खा रही है। जिस गाय तो माता है। अरे माता है, हम लोग क्या खाए? खाए बच्चों को खिलाए, 5 किलो मिलता, उससे पूरा परिवार चल जाएगा क्या? जनधन खाता मिला कि नहीं? नहीं मिला। 2000 रुपया आता है कि नहीं? आता है। तब सिलेंडर नया मिला कि नहीं? अरे तो 2000 भी क्या होता है, जिसके घर में 8 है 8 है 6 है उसका 2000 से कितने दिन खाएगा? मंदिर भी तो बन गया अयोध्या में। मंदिर में कौन सा? वहाँ के मंदिर वाले पूजा करेंगे कि हम लोग पूजा करेंगे जाके वहाँ? भगवान राम का घर बन गया। राम भगवान का घर बन गया, मेरे को कौन पूजा करने को मिलेगा? हिंदुस्तान में ही बनेगा राम का घर, पाकिस्तान में नहीं बनेगा। आप लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। सरकार हक मांग रहे हैं। हमारा किसान का हक जो हो उसको चाहिए। देश बिक रहा है, सरकार जो कुछ कर रही है इसे बिल्कुल गलत कर रही है। इस समय क्या गलत कर रही है? रेलवे का निजीकरण कर रही है, जब देश पूरा मतलब बेच दे रही है हर करण। क्या नुकसान है उससे? नुकसान बिल्कुल है, मतलब हमारे जवान ही मतलब उनके ऊपर भी राजनीति हो रही है, आपके किसानों के ऊपर राजनीति हो रही है। कहाँ नहीं हो रहे? ये किसान अगर संघर्ष करता तो आप लोग हिंदू विरोधी सरकार को? हिंदू विरोधी सरकार नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बना। क्या नाम है? माया सिंह।
हिंदू राष्ट्र बन, अरे मुसलमान टाइट है, बनना मुसलमान टाइट है तो कहाँ से बन गया, कहाँ घोषित हो गया, कब घोषित हो गया बताएंगे, कब घोषित हुआ? मंदिर तो बना ना, मंदिर बनने से पेट भरता है जनता, इंडिया गेट चमक गया, इनको घुमाइए सबको इंडिया गेट, इंडिया गेट दिखा देंगे तो आपका पेट भर जाएगा। नया संसद बन गया, नया संसद बन गया तो पेट भर गया। कौन जा रहा है हमारे देश की, मतलब आप बताइए, अडानी सबसे दुनिया में सबसे भारत का नाम रोशन हो रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि अडानी का, अडानी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो गया, अडानी संपत्ति लेकर के भाग गया यहाँ से, कोई काहे जुटाया मैं किसान, मल्टी नेशनल जो कंपनी आ गई है उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो जब मल्टी नेशन कंपनी आई, अरे मोदी जी के राज में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अमीर भारत का आदमी है, गौरव कीजिए, गर्व कीजिए, छाती चौड़ा हो गया। लेकिन सर जो मल्टी नेशन कंपनी आई है ना वो तो भारत को लूटने के लिए आई है, गरीब किसान तो मरा जा रहा है, गायें सब खाए जा रही है, हम लोग दिन दिन रात रात के ड्यूटी, क्या नाम है माता दिन कश्यप, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, पैसा गया कहाँ से, इंडोनेशिया बैन लगा दिया, इंडोनेशिया पाम ऑयल निर्यात बंद कर दिया, तेल 180 पहुंचा, 200 पहुंचा तेल, ठीक रिफाइन, सुनिए भाई सुनिए, हाँ रिफाइन 200 पहुंचे, 180 तेल 200 रुपए हो गया, बिका सरसों तेल महंगा है, इंडिया आज इंडिया सबसे सब कितना में है, गैस गैस 1100 रुपए का है, गैस कितना में है, 1100 रुपए, सरसों तेल तेल ये 200 रुपए, खाद 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 1270 रुपया, 1270 रुपए डीएपी में नहीं है सर, आज की बात बताओ सर, हम लोग कल तो मंदिर बनाना भाई, बना है मंदिर बना है, लेकिन मंदिर से क्या हमको, अरे शेर सुनिए, अरे शेर पालोगे तो चारा नहीं दोगे, पहले सुनिए, अरे पहले सुनिए, पहले सुनिए, चीता आया कि नहीं है, कितना चीता, पहले सुनिए, मंदिर ठीक है, मंदिर बनाया ठीक है वो अच्छा है, तो मंदिर अगर बना दिया तो किसान अपनी समस्या को लेके उनको आए ना, अरे नया चीता आया है, आठ चीता आया है, बता रहा हूँ, अगर वो मंदिर बनाया मनाया जाएगा, चीते का जन्मदिन मनाया जाएगा, यहाँ हमारे किसान भूखे मर रहे हैं, करोड़ों रुपए किसानों उनके ऊपर खर्च किया, चीता कितना खाएगा, 1 लाख महीना खर्चा हुआ इनको, चीता के आने से खुश नहीं हो, पब्लिक आदमी हम लोग मर रहे हैं और चीता खाएंगे, बताइए शेर प्रधानमंत्री चीता लेकर, शेर प्रधानमंत्री एक बात बताइए, शेर प्रधानमंत्री है तो किसान अपनी समस्या को लेके आए नहीं, मतलब इतना बड़ा प्रधानमंत्री, देश का नाम खराब कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे जो आंदोलन हुआ है रेलवे निजीकरण किसानों के मुद्दे पे हुआ है, तो इसमें मंदिर का सवाल, ये सब सवाल आप कहाँ से ला रहे हो, अरे आप प्रधानमंत्री क्या बता रहा हूँ, नाम खराब हो रहा है, ला रहे हो नाम खराब हो रहा है, कहाँ नाम खराब हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है क्या, इससे कोई विरोध करे तो नाम खराब हो रहा है, मोदी जी का मैं क्या बता रहा हूँ, रेलवे का निजीकरण का विरोध अगर किसान कर रहा है तो इससे क्या देश का नाम खराब हो रहा है, मोदी जी काम किए तो कुछ, मेरी बात सुनिए, मोदी जी कोई काम किए तो सोची के किए होंगे ना भाई, किए होंगे वो अलग बात है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने, मोदी जी ने एक काम भी किया है कि जो यहाँ के पूंजीपति हैं लेकर के भाग जाए पैसा, ये सोच कर किया है, अरे मोदी जी किया तो कुछ सोची के भाई, नहीं वही मैं पूछ रहा हूं, आप चले जाओ कोई भी रेलवे स्टेशन चले जाओ, उसके अंदर जितनी दुकानें सभी प्राइवेट कंपनियों की हैं, है कि नहीं, मेरी बात सुनो भाई, मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं, फिर भरोसा है, अभी नहीं भरोसा, अरे मोदी जी किए तो कुछ सोची के किए हैं, दिया 10 साल दिया, 2 पंचवर्षीय दिया उनको, ठेका दिया जाता है, नहीं है जो सरकार की संपत्ति है तो उस पर सरकार का ही कब्जा, अरे मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं, इससे बताइए, अब तक था उनको वोट दिया, सरकार बनाए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब नहीं, हमारे पीएम है भरोसा है, मिल रहे बच्चा मारे मारे घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ रही, बच्चा को भेजो रैली में, हनुमान जी की रैली में, दुर्गा जी की रैली में, अभी नवरात्र आ रहा है, तलवार कौन लड़ाएगा, नौकरी दे दिया तुम, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं नौकरी लेना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को सशक्त बनाना है, आप लोग को कांग्रेस उंग्रेस वालों ने भेजा है, फंड किया है, सुनिए एक मिनट, विदेशी फंड लिए हो, साबित करके दिखाओ, चलो साबित करो, मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ, पाकिस्तान से माल लिए हो, ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें जो रिसीव करने वाला है ना, ये सब चीजें मैं करके छोड़ दिया हूँ, कहाँ से पैसा आया है, सुनिए पैसा कहाँ से आया, दिल्ली आने, चलो रिपोर्ट कराओ थाना में, पैसा कहाँ है, कहाँ से पैसा, विदेशी फंडिंग है, झूठा वो सब चीजें ना दूसरे को बताइएगा,
मुझे नहीं। कहाँ से पैसा? जो गलत करता है ना वो डरता है, मैं नहीं डरता हूँ। कांग्रेस वालों ने दिया? वो सब काम नहीं, ये सब राजनीतिक दल वाले होते हैं, एक नंबर चोर है। सपा वालों ने दिया होगा? अरे वो सब छोड़ो, वो अपना संभाले, वो अपना घर संभाले। क्या सर आपको मोदी जी ने भेजा है? मीडिया वाला मोदी मीडिया है, हम लोग मोदी जी के समर्थक है। मीडिया ने भेजा नहीं ना? आप मीडिया कहाँ से बताइए? आप मतलब बीजेपी के सोशल मीडिया सेल से हैं? मीडिया स्वतंत्र है, सोशल मीडिया सेल से है ना? हाँ तो ऐसा बोलिए ना आप, इसके लिए घुमा घुमा के चीजें। अगर मोदी जी का हमारा कोई विरोध नहीं है वो ठीक है, लेकिन अगर उनको रेलवे, मोदी जी ने निजीकरण किया था वो सोची के किया होगा? अरे वो फिर वही बात है, ऐसा कर करके सब निजीकरण जरूरी नहीं होता है, हर काम सही हो। अभी हाथ उठवा दू, ए मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं सबको? तब देखिए भरोसा है, मतलब उनके काम का विरोध कर रहे हो यार? क्यों नहीं करेंगे, आपको हम दिखाएंगे। आप सुनिए, जब ये कृषि कानून लागू हुआ था, ठीक है, जब ये जब हुआ था, बधाई पत्र हमारे बैग में पड़ा, पीडीएफ भेजते हैं आपको हम। खालिस्तानी थे सर? वो सब छोड़ो, ये सब जो जीचे हुई ना, जो पीछे घट गई, पहले आप बताओ फंड कहाँ से आए? फंड कहाँ से आया? फंड चंदा जमा किया है, सब अपने अपने जेब से आए, पूछ लो। ये गरीब किसान किसी फंडिंग से नहीं आते यहाँ, अपने दल बूते पर अपने पसीने के दबाव। अगर फंड आया होता यार लंगर लगा होता, अगर फंड आता ना, फंड जिनको आते लंगर लगे होते थे। अपनी रोटी लेके सब आए, आप देख लीजिए सबके खाने। कोई पार्टी वाला पैसा दिया? कोई पार्टी नहीं, पार्टी क्या करेगी, वो अपना संभाले। पार्टी मीडिया को पैसा देता है, किसानों को नहीं। पार्टी मीडिया को पैसा दे करके चैनल घुमवाता, किसानों को नहीं देता कोई। हमारा संगठन पैसा लेके धरना करने वालों में से नहीं है, समझो ना। किसान अपने ना पर कौन नाम बताइए आपका? पंकज मिश्रा। कौन संगठन है? भारतीय मजदूर किसान संगठन। मोदी जी को बदनाम कर रहे हो जनता? मोदी जी का फिर वही बात, मतलब एक बात बताइए, किसान अगर अपनी समस्या को लेके उनके पास जा रहा है, ठीक है, तो मोदी जी के रहते कोई समस्या ही नहीं है यहाँ किसानों की समस्या। किसान बड़े की मोदी, किसान बड़े की मोदी बड़े प्रधानमंत्री, मैं क्या बात, किसान बड़ा की मोदी। देश का हमारा किसान अन्नदाता सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। अब अगली बार 2024 में 24 वोट दी, आप बताइए। आप फिर बार बार मोदी की किसान समस्या है तो क्या लेके नहीं आएगा? तो किससे समस्या सुनाने आए हो? केजरीवाल से? केजरीवाल से क्यों सुनाएंगे? मोदी से क्यों? केजरीवाल के रेल भवन, रेल भवन है सुनेगा प्रधानमंत्री? अगर मोदी जी ने रेल बेचा है तो कुछ सोची के बेचा होगा ना, निजीकरण किया है। का मतलब है, मोदी से मतलब है भाई, जो समस्या हमारी है समस्या का समाधान केजरीवाल का करेंगे। ये बताइए, ये जो जनता देश की है, ये कुछ समझ करके ही मोदी जी को और दिया था, प्रधानमंत्री बनाया था, तो भरोसा रखिए। नहीं, किसके लिए हम लोग भरोसा किया दोबारा प्रधानमंत्री बनाए? वो हमारे विश्वास पर खड़े नहीं उतरे। क्या गलत कर दिया उन्होंने? कर दिया क्या? गलत किया? क्या नहीं गलत किया? एक का क्या सही? चीता ले आए, चीता ले आए, चीते से हिंदुस्तान का पेट भरेगा। लॉकडाउन का, नोटबंदी की, नोटबंदी किए, नोटबंदी से क्या हुआ? जनता और बारी मेरी फिर रही है। लॉकडाउन लगा दी मोदी जी, चीता ला हद में काबिल का ये उठा कौन वार कर रहा है? नोटबंदी में तो मेरो तो नोट फरो रहा है, वो खाली हो गई, आज मेरो नंगी हो गई, जे नोट नहीं रहेगो। पीछे पीछे आए आए बताइए, क्या कह रही है? नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा मिला? मोदी जी पर भरोसा नहीं आप लोग? कोई भरोसा नहीं, उन्होंने भरोसा देकर भरोसा तोड़ दिया। अच्छा, कौन पार्टी वाला लाया? कौन? कोई पार्टी वाले नहीं लाया, हम लोग किसी पार्टी से लाए नहीं। कहां से पैसा मिला है? कहां से? अपनी अपनी कमाई से मिला है। भाजपा ने लाया है, हम यहाँ भाजपा की समस्या को लेकर आए हैं और भाजपा की किसानों की समस्या के लेकर के आए हैं। हम किसी दल्लू नहीं है, किसी सरकार के चले आए, हम अपने किसान, भारत के किसान हैं, किसानों की समस्या लेकर के सरकार के पास आए हैं। मैं सरकार के पास आया हूँ, किसी पार्टी के पास नहीं आया हूँ। भारत सरकार के पास हमारा जो है ज्ञापन जाएगा, वो चाहे मोदी जाए, प्रधानमंत्री जाए। सोचिए सोचिए, बेचारे कैसे डर गए, सहम गए। एक एक अदना सा माइक वाला पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार जो है वो आपके आंदोलन को डिरेल कर सकता है। और सोचिए, इस देश में हजारों पत्रकारों को लगा दिया गया है कि तमाम सोशल रिवॉल्यूशन को, तमाम बहुजन आंदोलन को, तमाम किसानों के आंदोलन को डिरेल कर दिया जाए। सोचिए माइक में कितनी ताकत होती है, और शब्दों में मैंने अकेले दर्जनों किसान को शांत करा दिया, बेईमान घोषित कर दिया, कांग्रेस का दलाल घोषित कर दिया। यही चल रहा है इस देश में, समझने की कोशिश कीजिए। गरीब लोग मजबूर हैं, मजदूर जो हैं वो मजबूर हैं, और वो मक्का खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, तस्वीरें देख लीजिए।
और कैसे टीवी अखबार वाला मुंह में माइक डाल के उनको बदनाम कर देता है, जो मैं अभी कर रहा था। यही चल रहा है इस देश में। टीवी अखबार के जो पत्रकार हैं, वो किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, विपक्ष की आवाज़ हो, उसको बदनाम करता है, जैसे मैं अभी किसानों को बदनाम कर रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, यही चल रहा है इस देश में। और जंतर मंतर पर इस तरह से किसान हैं, सूखी रोटी खाने को मजबूर है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का कोई भी टीवी अखबार जो है वो इनको दिखाने नहीं आएगा। ये देखिए, ये लोग घर से खाना लेकर आए हैं, पूरी खा रहे हैं। ये देखिए, ये स्थिति है किसानों की, घर से खाना लेके आए हैं। और मैंने माइक के दम पर घोषित कर दिया कि ये सब के सब किसी पार्टी के एजेंट हैं। तो यही चल रहा है देश में। आपको तय करना है कि इस देश की मीडिया कितनी विश्वसनीय है। जो आप टीवी अखबार में देख रहे हैं, दरअसल यही हो रहा है कि लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको इसी तरह से बदनाम किया जाता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।